कल अपन ने देखा था एनालिटिक फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन के वैश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। उससे पहले हमने देखा था किसी भी फंक्शन के वैश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है। उसी के आगे एनालिटिक फंक्शन के अंदर अपन एक और टॉपिक देखते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रिमानन इक्वेशन। अपन ने कॉची रिमानन इक्वेशन देखी थी, आज उसका पोलर फॉर्म देखेंगे। कॉची रिमानन इक्वेशन की जो अपन ने फॉर्म देखी थी, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल बी बाई डेल वाई, इसी तरह से ये भी, ये अपनी पोलर जो कॉची रिमानन इक्वेशन का कार्टिजन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म पोलर कॉची रिमानन इक्वेशन का कार्टिजन फॉर्म है। अब अपन देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रिमानन इक्वेशन, कॉची रिमानन इक्वेशन का पोलर फॉर्म, यानी आर और थीटा के अंदर उसका फॉर्म क्या होगी। ये तो कार्टिजन फॉर्म थी एक्स और वाई के अंदर, उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। जब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक रिलेशन आएगा आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही दोनों को जब डिवाइड करेंगे तब एक रिलेशन आएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इन दोनों रिलेशन से और इस रिलेशन से अपन सबसे पहले डेल आर बाय डेल एक्स का मान निकालेंगे, यहाँ से डेल आर बाय डेल एक्स का मान निकालेंगे तो वो आएगा अपना कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही डेल आर अपॉन डेल वाई का मान निकालेंगे, वो आएगा अपना साइन थीटा इससे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से निकाल सकते हैं और यहाँ से उसका मान रख देंगे। उसी के बाद यहाँ से अपन निकाल सकते हैं डेल थीटा बाय डेल एक्स, ठीक है। तो उसका डेल थीटा बाय डेल एक्स यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। एक तो वाई अपॉन आर तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, ठीक है, और एक आर नीचे रह जाएगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे डेल थीटा बाय डेल वाई, ठीक है, डेल थीटा बाय डेल वाई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर, तो एक एक्स अपॉन आर, ठीक है, वो तो आ जाएगा कॉस थीटा और एक आर रह जाएगा। तो इस तरह से अपने पास इन चारों के मान निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपन निकालेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, तो वो आएगा डेल यू बाय डेल आर बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इनके मान रख देंगे डेल यू बाय डेल आर, डेल आर बाय डेल एक्स का मान अपन ने निकाला है कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा और इसका मान अपन ने निकाला है अभी डेल थीटा बाय डेल एक्स का मान अपन ने साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर। सेम ऐसे ही अपन मान निकालेंगे डेल यू बाय डेल वाई, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर और फिर डेल आर बाय डेल वाई कितना है साइन थीटा, वो आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल यू बाय डेल थीटा, ये तो ऐसा जाएगा और डेल थीटा बाय डेल वाई आएगा यहाँ पर, तो डेल थीटा बाय डेल वाई का मान है कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है, माइनस में, सॉरी ये माइनस में है तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा अपॉन आर आएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन आर। सेम ऐसे ही डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, डेल यू बाय डेल वाई निकाला, अब अपन निकालेंगे डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स भी ऐसे आ जाएगा डेल वी बाय डेल आर और डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल एक्स कॉस थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स है अपना माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसी तरह से डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू डेल वी बाय डेल आर और डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल वाई साइन थीटा प्लस डेल वी बाय डेल थीटा और डेल थीटा बाय डेल वाई, डेल थीटा बाय डेल वाई कॉस थीटा अपॉन आर, कॉस थीटा अपॉन। इस तरह से अपन ने इन चारों के डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, इन चारों के अपन ने मान निकाले। इन चारों के मान अब यहाँ पर रख देंगे, ये जो अपने पास इक्वेशन है इनके अंदर इन चारों के मान रख देंगे। जब इन चारों के मान रखेंगे तो क्या आएगा देखें, दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास,
सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स, तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या बन रहा है अपने पास, ये डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल आर कॉस थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू अब है डेल बी बाय डेल वाई, डेल बी बाय डेल वाई, ये डेल बी बाय डेल वाई, तो ये मान कितना आएगा, डेल बी बाय डेल आर साइन थीटा प्लस डेल बी बाय डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के अंदर भी डेल यू, इन दोनों के मान रख देंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी अपने, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई है तो डेल यू बाय डेल आर और साइन थीटा प्लस डेल यू बाय डेल थीटा और कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू ऐसे डेल बी बाय डेल एक्स, डेल बी बाय डेल एक्स का मान है डी बी बाय डी एक्स डी आर कॉस थीटा प्लस डेल बी बाय डेल थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन आर। ये दो अपने पास इक्वेशन आ गए, इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए इस फर्स्ट इक्वेशन को, इसको अगर अपन फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को कॉस थीटा से तथा सेकंड को साइन थीटा से गुणा करके योग करने पर, इन दोनों को कॉस थीटा और साइन थीटा से मल्टीप्लाइड करके और फिर अपन जब योग करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस से मल्टीप्लाइड करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा इसको साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर, डेल यू बाय डेल आर और ब्रैकेट के अंदर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का, ये दोनों सेम है तो ये प्लस का ये माइनस है तो ऐड करने में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास केवल इतना से रह जाएगा। राइट साइड में क्या होगा, इसको साइन स्क्वायर साइन थीटा से है, यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर है साइन थीटा कॉस थीटा। डेल बी बाय डेल आर और यहाँ पर डेल बी बाय डेल थीटा, यहाँ पर अपन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास कुछ समीकरण में डेल बी बाय डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर ये माइनस है, ये लिखना रह गया अपना, ये माइनस है ना, और ये भी माइनस है ना, ये भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस है। अब अपन साइन थीटा कॉस थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो वन हो जाएगा और अपने पास क्या रहेगा, वन अपॉन आर डेल बी बाय डेल, ठीक है। तो अपने पास एक रिलेशन ये आ जाए। सेम ऐसे ही एक और रिलेशन निकालना है अपन को, वो देखते हैं कैसे निकाले। अब की बार अपन फर्स्ट को साइन थीटा से तथा सेकंड को कॉस थीटा से गुणा करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अब की बार इसको जब साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर इसको साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा,
तो ये आ जाएगा आपका माइनस डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर भी इसको साइन स्क्वायर थीटा से इसको कॉस स्क्वायर थीटा से और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल वी बाय डेल आर। सेम ऐसे यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस हो गया और फिर सब्सट्रैक्ट किया तो माइनस हो गया तो वापस कैंसिल हो गया, तो ये एक दूसरा आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये दोनों जो रिलेशन है ये दोनों रिलेशन कहलाते हैं कॉशी-रीमैन इक्वेशन का पोलर फॉर्म। ये जो फॉर्म यहाँ लिखा था वो था कॉशी-रीमैन इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। इस तरह से अपन किसी भी पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसी के आगे और देखिए, एक और रिजल्ट है W का ध्रुवीय रूप में अवकलन, W का ध्रुवीय रूप में अवकलन उसको और देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे डेरिवेटिव ऑफ W इन पोलर फॉर्म, डेल W अपॉन डेल Z इक्वल टू डेल W अपॉन डेल X, इसको अपन लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन या डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स का अपन ने मान निकाला था, डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान निकला था अपना वो था डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान था कॉस थीटा, तो वो आ जाएगा कॉस प्लस इसको अपन चेंज कर सकते हैं डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आल्टा डेल बी बाय डेल थीटा बाय डेल एक्स का भी अपन ने मान निकाला था, डेल थीटा बाय डेल एक्स का वो मान निकाला था माइनस साइन थीटा अपॉन आर माइनस साइन थीटा अपॉन, अभी अपन ने मान निकाला था इससे पहले वाले रिजल्ट में, क्योंकि W बराबर होता है U प्लस एल्टा V, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, देखिए डेल W अपॉन डेल R कॉस थीटा प्लस डेल U बाय डेल थीटा, डेल U बाय डेल थीटा अपन ने अभी निकाला था डेल U बाय डेल थीटा, है ना, इसका मान भी अपन ने अभी निकाला था डेल U बाय डेल थीटा का, डेल यू बाय कॉशी-रीमैन इक्वेशन थी अपनी, कॉशी-रीमैन इक्वेशन अपन ने मिटा दी, वो क्या थी कॉशी-रीमैन इक्वेशन का पोलर फॉर्म, वो पोलर फॉर्म लिख लेते हैं एक बार दोबारा, डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल बी बाय डेल थीटा, एक तो इक्वेशन ये थी और दूसरी कॉशी-रीमैन इक्वेशन क्या थी डेल यू बाय डेल थीटा, डेल यू बाय डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल बी बाय डेल आर, ये कॉशी-रीमैन इक्वेशन थी। यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, डेल यू बाय डेल थीटा की मान यहां पर रख देंगे माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल बी बाय डेल थीटा कितना है डेल बी बाय डेल थीटा आर इधर चला जाएगा तो आर डेल यू बाय डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अपन तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा, यहां से आर कॉमन ले लें और आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए यहां से आएगा यहां पर आएगा आयोटा आर 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 इससे कैंसिल हो जाएगा और यहां आयोटा रह जाएगा, ये आ जाएगा डेल यू बाय डेल आर, ठीक है, और यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो नीचे आयोटा आ जाएगा माइनस वन अपॉन आयोटा और ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा प्लस आयोटा डेल बी बाय डेल बी बाय डेल आर और यहाँ पर है माइनस साइन थीटा अपॉन आर, इस साइन थीटा को माइनस को भी अपन यहाँ पर बाहर ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई, ठीक है,
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉस थीटा माइनस आयोटा, ये भी क्या बन गया अपना अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर साइन थीटा अपॉन आर। यहां से अपन थोड़ा सा कॉमन लें, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन आ गया, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन आ गया, बच गया कॉस थीटा माइनस आयोटा, सॉरी आर तो कैंसिल हो गया, आर तो कैंसिल हो गया था ना? अपना बच गया आयोटा साइन। एक तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट, ठीक है, डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज का मान एक तो ये आ गया। सेम ऐसे ही अपन एक मान और निकाल सकते हैं, अपन एक मान और निकाल सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। अब की बार अपन क्या करें, इसको चेंज कर दें, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आल्टा डेल वी अपॉन डेल आर, ठीक है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान, डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान अपन ने निकाला था और वो मान था अपना डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान था कॉस थीटा, तो वो यहाँ पर रख दिया, प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा और डेल डेल थीटा बाय डेल एक्स, डेल थीटा बाय डेल एक्स का मान निकाला था अपन ने माइनस साइन थीटा अपॉन। इसको भी थोड़ा सा चेंज करें, डेल यू बाय डेल आर को डेल यू बाय डेल आर हो जाएगा वन अपॉन आर डेल बी बाय डेल थीटा प्लस आयोटा, डेल बी बाय डेल आर कितना हो जाएगा, डेल बी बाय ये आर इधर चला जाएगा तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का आई अपॉन आर डेल यू बाय डेल थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ठीक है। इसको और सॉल्व करें, यहाँ से वन अपॉन आर एलसीएम आ जाएगा है ना, वन अपॉन आर और आयोटा माइनस का आयोटा कॉमन ले लें तो माइनस का आयोटा और आर कॉमन ले लें तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आर, इधर आ जाएगा डेल यू बाय डेल थीटा और इधर आ जाएगा आपका माइनस का वन अपॉन आयोटा, माइनस का वन अपॉन आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है, तो एक आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा डेल बी बाय डेल थीटा रह जाएगा और उसके बाद कॉस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। ये फिर वही फार्मूला अपने पास बन गया, माइनस आयोटा अपॉन आर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। अब यहाँ से कॉमन आ जाता है अपना, देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर वन अपॉन आर ये कॉमन आ सकता है अपना, तो नेट क्या बचेगा अपने पास, माइनस भी अपन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं तो वो आ जाएगा अपने पास माइनस साइन थीटा, इधर तो माइनस का साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा रह गया, अगर अपन ने माइनस का वन अपॉन आर एलसीएम कॉमन लिया, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर भी निकल गया, माइनस आयोटा प्लस का आयोटा कॉस थीटा है ना, माइनस अपन ने कॉमन लिया और यहाँ पर रह जाएगा अपने पास वन अपॉन आर और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल। इस तरह से ये एक और रिजल्ट आ गया, ठीक है, किसका, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, डब्ल्यू के ध्रुवीय रूप का अवकलज का एक और रिजल्ट आ गया। ये दो रिजल्ट अपन ने देखे थे, एक तो कॉची-रीमानन इक्वेशन का पोलर फॉर्म और एक डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। इसी के बाद इसी के साथ एक और डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को चलिए इतना काफी कल देखेंगे,